मैं एक बार फिर माँ के मुख पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। बलिदान क्या दोगे? अपना जीवन। और मेरा है क्या? है, दे सकोगे? क्या? भक्ति। भक्ति? हाँ, मातृभूमि की पूर्ण भक्ति। भक्ति, मातृभूमि की पूर्ण भक्ति। भारतवर्ष में आजादी की पहली लड़ाई 1857 में नहीं, पलासी की लड़ाई के लगभग 20 वर्ष बाद लड़ी गई, जहां अंग्रेजों ने सत्य को मिटा, दुनिया भर में हमारे मुंह पर कालिख पोतने की कोशिश की है। 1857 के महान स्वाधीनता संग्राम को केवल एक विद्रोह जताया है। वहां हमारी आजादी के पहले संग्राम को, जिस पर ऋषि बंकिम चंद्र ने आनंद मठ की रचना की, अंग्रेज सन्यासियों के वेश में चंद लुटेरों की लूट मार ठहरा गए हैं। लेकिन सत्य मिटाए भी क्या कभी मिटता है? सन 1770, इन दिनों भारतवर्ष के इस हिस्से में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। खुराक की कमी और महामारियों के नतीजे में लगभग आधी आबादी तो मौत का निवाला बन गई, जो जिंदा रह गए वो भी इंसान तो क्या, जंगली हैवानों से भी गए गुजरे, बस जिंदा रह गए। यहां कुल जायदाद, यहां तक कि माएं बहनें बेचकर भी मुट्ठी भर अनाज न इकट्ठा हो सके, वहां कोई लगान कैसे दे? लेकिन देना तो होगा ही, क्योंकि देशद्रोहियों की कृपा से ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागर मालगुजारी के ठेकेदार बन चुके थे, वो लगान कैसे छोड़ते? हुजूर, इसे हाथ से हमको कितना रुपया लेना बनता? 6,606 रुपया। ओह, तो ये बहुत मालदार है ने? जी हुजूर। अब तुम्हारा प्रजा लोग कहाँ? रुपया देने को हाजिर क्यों नहीं? कहत और बीमारी की वजह से सब लोग भाग गया। अरे जल्दी कर, जल्दी कर! अरे तो वो दरवाजा खिड़की बंद। चुप 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 बाबा, चुप चुप। सब लोग भाग गए हैं, जाओ हाजिर करो।
बाप साहब हैं, कहने को प्रजा की भलाई के रक्षक, असलियत में फिरंगियों के कठपुतले, अयाशियों में गर्क, इन्हें दुनिया की सुध-बुध कहां। आती है कयामत तो बढ़ी आले दे, पिला पिला और पिला, खूब पिला, छलक पड़ती है शराब तो छलक जाने दे। राजा महेंद्र सिंह है, सुनने में आता है कि आप बंगाल के राजाओं में सबसे ज्यादा मालदार हैं, लेकिन आज दोष न देना प्रभु, तुम तो सदा हमारे साथ हो। कल्याणी। हाँ। क्या छिपा रही हो कल्याणी? कुछ नहीं, जैसे तुमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ लिया है वैसे मैंने भी। औरत का आखिरी सहारा। आ बेटा सुबह आओ चले। आज ये आलीशान महल, पुरखों की जमा की हुई पूंजी, मान मर्यादा धन दौलत सब छोड़ के जाने पर मजबूर है। महल में बच्ची के लिए दूध का एक कतरा भी नहीं। राजा और भिखारी सब एक हो गए। Bankimchandras।
बम काली बम काली। कल्याणी कल्याणी ले ले खा खा इसे पहले अपना पेट क्यों बे सरदार के बच्चे माता है हम लोगों ने तेरी जान दी और तू मारता है मारो सरदार मारो भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधुनां विना
पापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेटी, मैं ये पूछना तो भूल ही गया, तुम्हारा घर कहाँ है? पर वहां तो कोई रहा नहीं सिवाय राजा महेंद्र सिंह की। ओ, तो क्या तुम राजा महेंद्र सिंह की पत्नी हो? चिंता न करो, महेंद्र सिंह तुम्हें शीघ्र ही मिलेंगे। अनंत गुरुदेव। गुरुदेव। भवानंद, तिरंगी काफी लेके लिए? जी हाँ। तैयार? जी जाहिर है। हाँ, महेंद्र सिंह की कोई खबर मिली? जी नहीं। जीवानंद। गुरुदेव। जीवानंद। गुरुदेव, ये सब काम तो तुम अकेले ही निभा लोगे ना? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो भवानंद तुम जाओ, महेंद्र का पता लो और हो सके तो उसे अपने साथ ही लेते आना। जैसी आ गया। विजयी भव, विजयी भव। मेरी बात सुनो। सुन रहे क्या बोल रहा है? खामोश साहब, ये डाकू पकड़ा है और बंदूक इसके हाथ में थी। तुमको ये बंदूक कहां से मिला? बाप दादों से, एक नहीं हजारों। बकता है, चुप। खामोश साहब, हुक्म दीजिए, अब इसका हम क्या करें? क्या करे? ठीक बात पूछा, क्या करे? बस एक काम करो, तुमसे कोई भी साला इस साले को शादी कर लो। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। बात करने चलो, बाद में देखा जाएगा। चलो ठीक, चलो चलो। आप लोग कुछ मेरी भी तो सुनिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी भी तो सुनिए। सरकार, यह हवलदार तो लौटता है, उसी गाड़ी में बैठ दो। मैं सन्यासी हूँ हवलदार साहब, इनको गलत फहमी हुई है। जरा मेरी भी तो सुनो भाई। चलो ले चलो गाड़ी। भोजन, क्या रोजा? नहीं, वो आ रहे। देखा जा रहा है। जी हाँ, शहजादे हो ना, जीतू के चक्कर ना जानते हो सकता है, लेकिन आपके अरे डाके डालना मैं नहीं जानता। इन डाकुओं ने आपका भलाई किया। जी शुक्रिया, मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए। बहुत अच्छा तिबला, थोड़ी देर और तमाशा देखिए। ये डाकू आपको रानी साहब और राजकुमारी से मिला देना चाहते हैं। देखिए सुनिए, फरमाइए। ये तो बताइए, असलियत में आप लोग हैं कौन? संतान। संतान समझा नहीं, किसकी संतान? माँ की। माँ की? हाँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि कंसी।
आप लोग इस तरह डकैती से माँ की सेवा करना चाहते हैं? डकैती नहीं तो, ये क्या हो रहा है? लुटेरों से लूट छीनी जा रही है। लेकिन ये तो राजा का लगान है। राजा का? राजा कौन? ये अपने नवाब मीर जाफर। नवाब मीर जाफर? नवाब मीर जाफर जिसके राज ने रियाया को लगान चुकाने के लिए अपनी बहु बेटियों को भी भेजना पड़ता है, जिस हुकूमत ने लोगों को जिंदा रहने के लिए मुर्दे खाने पड़ते हैं, जिसकी अमलदारी में सरकारी भेड़िए खुलेआम मापनों की इज्जत और असमत का शिकार करते हैं। मीर जाफर, वही मीर जाफर जो विदेशी लुटेरों को देश की लक्ष्मी सौंपकर चैन की बंसी बजाता है, जो खूनरेज अंग्रेजों के हाथों अपनी मां बहनों को बेइज्जत होते देखकर भी खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हम इन्हें लात मारकर भगा सकते हैं। भगाएगा कौन? ये मुट्ठी भर संतान। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज कितने थे? सवाल ये नहीं है कि लड़ने वालों की तादाद कितनी, बल्कि ये कि उनके मन में मरमिटने की लगन कितनी। आजादी की इस लड़ाई में हम संतान सिर्फ एक शक्ति पर विश्वास करते हैं और वो है ब्रह्मचर्य। अगर हम ब्रह्मचर्य अटूट रख सके तो हमारे ये मुट्ठी भर संतान ही सारी जनता को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा सकते हैं। आप में से किसी के घर बार नहीं है? है क्यों नहीं? त्याग चुके? नहीं, व्रत पालन कर रहे। संतान बनोगे? अगर बीवी बच्चों से दूर रहना ही आपका व्रत है तो ये रोग मेरे बस का नहीं। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश्यश्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शश्यश्यामलाम मातरम वंदे। ज्योत्सना पुलकित यामिनीं पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, शुभ्रज्योत्सना पुलकित यामिनीं पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरवासिनीं सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कंठ कल कर निनाद करले सप्त कोटि भुज इदित कर करवाले, सब लखन माया तो बोले बहु बल धारी निंग नमामि तारी निंग रिप दल बारी निंग मातरम वंदे, 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 मातरम। कमलम अमलम रतुलम सुजलम सुफलम मातरम,
नमामि कमलम अमलम अतुलम सुजलम सुफलम मातरम वंदे देख रहे हो विष्णु विष्णु और विष्णु की गोद में कौन है मां मां हां हमारी मां मैं समझा नहीं समय आने पर सब समझ जाओगे आओ जैसी थी मां सर्वलंकार परिभूषिता मां हास्यमयी सुंदरी मां बाल सूर्य प्रभाद ईश्वर की अधिष्ठात्री मां को प्रणाम करो देखा देखो मां जैसी है अंधकार समाचिन्न काली मामयी चित्त सर्वस्व नग्निका आज हमारा देश शमशान हो गया तभी तो मां ने भी ये रुंडमाला पहन रखी देख मां जैसी होगी देख दशभुज दशो दिशाओं में प्रसारित नाना आयुध रूपों में नाना शक्ति शोभित पैरों तले शत्रु विमर्द तो पदाचिन्ह वीर ऋषि भी शत्रु निपीड़न में मग्न है दिग्भूजा नानव प्रहरण धारिणी वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी शत्रु विमर्दिनी मां वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मां इस रूप में कब दर्शन जब मां की सारी संतान मां को मां कहकर पुकारेगी गुरुदेव कल्याणी और सुकुमारी कहां हैं इसी रास्ते से चले जाओ मंदिर के बाहर दोनों मिलेंगे एक बार उनसे मिलकर बुला ले लो मैं अभी आता हूं गुरुदेव मैं अभी आता हूं मैं सिद्धांत धर्म ग्रहण करूंगा गुरुदेव मैं अभी आता हूं Dirty idiot. Most mother may passing your time. But are those bloody Santans? A British officer, Kumar Dollar. You hear? Do you? Then I've got you. The life of a British officer is lost. A bullet. So must make your compensation, then, Sakta. ठीक है साहब. इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम 2 लाख रुपया लगान में और वसूल कर लो गेट अ पासपोर्ट क्विक डोंट फॉरगेट हम तुमको नवाब बनाया और अगर तुम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकेगा हम तुमको फिर बाहर फेंकेगा हमें पीस चाहिए पीस अच्छा साहब नथिंग मोर एक और मौका भी तो हमें दीजिए मैं अभी हुक्मनामा भेज देता हूँ सारे संतान बदमाश को या तो पकड़ लेगा या कत्ल कर देगा ऑल राइट आई एम गिविंग यू वन मोर चांस
सागरों में मौसीकी मेरी महफिल में जमने दे, जहां वालों की हालत खराब है साथी, बिला शराब मेरी रातें जवान है साथी, पिला पिला और पिला खूब पिला, छलक पड़ती है शराब तो छलक जाने दे। खला खुदा की मुल्क बादशाह का हुक्म एतमादुल दौला अमीरुल उम्रा हजूर नवाब मीर जाफर नाजम इलाके बंगाला का हर खास आम को आगाह किया जाता है कि आज के बाद से ताहुक्म सानी हर साधु सन्यासी अपनी गद्दाराना कार्रवाइयों के नतीजे में सल्तनत के खतावार करार दिए गए हैं। लिहाजा ये हर शख्स का फर्ज है कि जहां कहीं भी उन्हें पाए कोतवाली में दाखिल करे। इस ऐलान की खिलाफ वर्जी करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। जो शख्स भी इस ऐलान की खिलाफ वर्जी करेगा उसको इबरतनाक सजा दी जाएगी। लेकिन भवन, तुमने ये खबर अपने सब केंद्रों में पहुंचा दी है ना? हाँ हाँ, उसी वक्त मैंने देवानंद और ज्ञानानंद को भेज दिया था कि सब अपनी अपनी जगह होशियार रहे ताकि एक संतान भी दुश्मन के पंजे में ना आ सके। क्या है ज्ञानानंद? राजा महेंद्र सिंह अपने पत्नी और बच्ची के साथ मत छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, उन्हें रोकूं? नहीं, लेकिन गुरुदेव वो जानते हैं। हाँ, ये भार उन्होंने खुद लिया है। पुकारा किसी ने? नहीं तो के दर्शन कराए थे ना, बड़ी अनोखी है वो मूर्ति। वो स्वरूप आंखों से ज्यादा ही नहीं, ऐसा मालूम देता है कि मां बार बार पुकारती है। कल्याणी, मैं उस पुकार को सुनना नहीं चाहता। मां पुकारती है तुम्हें, इस पुकार को अनसुनी ना करो। अनसुनी ना करूं? तुम्हें मां के चरणों में अपना सब कुछ बलिदान करना ही। ये तुम क्या कह रहे हो कल्याणी? उन्होंने कल स्वप्न में मुझे भी दर्शन दिए थे, मुझे देखते ही वो बोल उठी, यही है वो, यही है जो मेरे लाल को मुझसे छीन रही है। कल्याणी, देखो देखो देखो, वो मुझे बुला रहे हैं। कल्याणी देखो, कल्याणी देखो, ये तो केवल स्वप्न है और कुछ भी नहीं। चलो चलो, यहाँ से चले, चलो घर। हाँ। माँ तुम्हें जो राह दिखा रही है उसी को अपनाओ। तुम जाओ। हमारी राह क्या अलग अलग है कल्याणी? मैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच। कल्याणी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मुझे भी त्यागने के लिए तैयार हो गई? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकूंगी। ये मुझसे ना होगा, मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग में नहीं जा। कल्याणी, नहीं जा सकती। कल्याणी, हम दोनों की राह एक है,
मंजिल भी एक है ना कल्याणी? क्या कल्याणी बोलो, अरे मुरारी, 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 अरे आरे, अरे मुरारी, अरे मुरारी, अरे ये अरे मुरारी के बच्चे खुद ऐसे मार लो इन दोनों बदमाशों को। मार गए क्या? और चल जल्दी, और जल्दी, और चल जल्दी, चल ठीक है। मेरी समझ में नहीं आता आप इस तरह गिरफ्तार क्यों हुए, और अब विदेशियों के टुकड़ों पर जीने वाले उन कुत्तों से इस तरह मार क्यों खा रहे हैं? क्या भेद खुल जाएगा समय आने दो। बंद कर, बंद कर बकवास। मामलदार साहब, संध्या का समय हो गया, आज्ञा हो तो थोड़ी देर भजन कर लो। भजन? तो आप गुरु जी हैं। हवलदार साहब रोकिए रोकिए, क्या हुआ क्या हुआ, क्या मामला है? सुबेदार साहब, मैं थोड़ी देर भजन करना चाहता था, आप नाराज हो गए। मैं नाराज होने की क्या बात है, गाओ। लेकिन कोई फड़कती हुई चीज सुनाओ। हाँ गाओ, चलो चलो चलो। सात साले तानसेन के बच्चे गाओ। समीरे तटिनी तीरे बसती बने बर नारी, बसती बने बर नारी। मा कुरु धनुर्धर गमन विलंबनम अति विधुरा सुख। ये तो कोई इशारा है गुरुदेव का। हाँ तटिनी तीरे सुकुमारी धीर कैसे हुआ? मैं संकेत करता हूँ।
हुआ रे बसती बने वर नारी बसती बने वर नारी मा कुरु धनुर्धर गमन तटिन धीरे वर नारी तटिन धीरे वर नारी नदी किनारे जरूर कोई पड़ा है देखो चलो देख तुम अपने खबर दो उठा रहा हूँ लेकिन इसकी माँ वही मेरी पड़ी है तुम जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो लेकिन गुरुदेव ज्ञानानंद ने मत में इतला दे दी होगी मैं इस बच्ची को छोड़कर वहीं पहुंचता हूँ तुम झट से चले आना अच्छा जीवानंद कौन सी जगह यही नजदीक पश्चिम के मोड़ पर अच्छा नाचे नयन
बतिया बीती वो बतिया रह रह के दिल को दुखाए रह रह के दिल को दुखाए बाबुल का आंगन याद आए रे याद आए रे शांति शांति जाने से पहले मैं तुमसे कह देना चाहता था लेकिन सोचा क्या कहूं शांति तुम्हारे ऐसे काम के लिए क्या मैं तुम्हें रोकती कभी नहीं लेकिन जाने से पहले मुझे हम जल्द ही मिलेंगे शांति
व्रत सफल होते ही मैं अपनी शांति के पास चलाऊंगा। चलो शांति। हाँ, मैं तुम्हारी राह तकूंगी। तुम्हें देर हो रही है, जवाब दो। घर में दूध है, पिला दे इसे झट से। भूखी है, ले संभाल इसे, मैं चला। भैया ये क्या, बस जल्दी कुछ खा तो लो। तुम्हें मेरी पसंद। वही पुरानी आदत, बात बात पर खत्म। शाबाश मेरी बिटिया, पीजा 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 बस बस। भैया मेरी एक बात मानोगे? क्या कहूँ ना मानोगी? तो बोलना। जो ना मानो तो मैं ही मरूं। फिर कसम छोड़े, अब पता है कि भी बुलाऊं? बुलाऊं एक बार। किसे? भाभी को। निम्मे भैया, भैया तुम मेरी सौगन, तुम भाभी से मिले बिना ना जाओ। तेरे घर में कभी पाँव ही न रखूंगा। भैया तुम्हें मेरे सुहाग की सौगन। अज्ञान में नहीं, अज्ञान है तो मार डालूंगा। बड़े वीर हो ना, बहन को मार डालोगे, स्त्री का त्याग करोगे। शांति मैं कहता हूँ चल जाओ, चल जाओ शांति, चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से शांति, चल जाओ। प्रतिज्ञा करो, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे। यहाँ तक जब विधि के साथ एक आसन पर न बैठोगे। शांति, शांति, शांति। तुमने एक क्या सूरत बना ली है? तुम्हें क्या खाने पहनने की भी कमी हो गई है? नहीं तो ओ पहनू किस लिए? हाँ, जब तुम लौट आओगे मुझे ग्रहण करोगे। शांति, मैंने क्या तुम्हें त्याग दिया है? नहीं नहीं, त्याग नहीं। जब तुम्हारा व्रत सफल होगा, देश स्वाधीन होगा, जब तुम फिर मेरे पास। शांति, शांति, मैं अक्सर सोचता हूं कि जो संतान धर्म मैं तुम्हारी मदद के बगैर ग्रहण भी न कर सकता, उसी के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। शांति, समझ में नहीं आता अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं। हम क्यों मिले, क्यों मिले शांति, हम क्यों मिले, तुम क्यों मिले? तो क्या इस मिलन से तुम्हारा व्रत तो नहीं टूट गया? तुम्हारा व्रत, बोलो लो। प्रायश्चित तो है, और फिर हमारे जीने मरने का क्या? प्रायश्चित, प्रायश्चित कुछ नहीं शांति, यही दान पुण्य, गंगा स्नान, उपवास और। मैं समझ गई। अच्छा, ये प्रायश्चित जीवन में एक ही बार हो सकता है ना? कितना कठोर है। उतना ही जरूरी भी। क्यों, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया? किया है। क्या? नियम तोड़ा है, और इसलिए प्रायश्चित का जो विधान है वो मुझे भी मानना पड़ेगा। विधान? कौन है, कौन?
कौन है ये विधान बनाने वाला? अगर कभी मैं उसे मिली तो जरूर कहूंगी तुम्हारा ये विधान गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, उनका विधान बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये विधान न मानने दूंगी, ये प्रायश्चित मैं तुम्हें न करने दूंगी कभी नहीं। सुनो, जाने से पहले एक वचन दो, मुझसे एक बार फिर मिले बिना प्रायश्चित न करोगे? तो तुम भी वचन दो कि इस हाल में न रहोगी, ये फटे पुराने कपड़े मैं पहनूंगी, वचन देती हूँ। तो मैं भी वचन देता हूँ। अच्छा शांति, आपकी रिश्ते में हो है? नहीं नहीं, करीब की संबंधी यही रहेंगे। सौभाग्य मिले, जरा कमजोर हैं गोरी दीदी, देखभाल करनी पड़ेगी। चिंता न करो बताएं जी, सब कुछ देख कर लूंगी। और हाँ, खर्चे की फिक्र न करना, कभी कभी आया करो। आपका और हाँ, जरा जल्दी से वैद्य जी को भेज देना। जाई तो रही हूँ। अच्छा अच्छा, वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे, मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे। अगर एक प्रतिज्ञा भी भंग हुई तो प्रायश्चित करोगे, और वो प्रायश्चित होगा मृत्यु। चिल्ला चिल्ला और चिल्ला, देश के बच्चे, तेरे गुरु की बारी भी आती है, बोलिए ना नोच तू तो तेरा। ठीक है, लेकिन हम जानने मांगता तुम्हारा जेल खाना वेल प्रोटेक्टेड, आई मीन हिफाजत। अरे साहब, हमने रियासत के चुने हुए सिपाहियों को अपने हजूर में बुलाकर उन्हें जेल के अंदर और बाहर इस होशियारी से पहरे पर बिठाया है के मीलों की दूरी तक, संतान तो क्या उनका बाबा आदम भी नहीं फटक सकता, ताकि हम अपने अंग्रेज दोस्तों को दावत जन्नत देना चाहते हैं, ताकि महफिले रख। Thank you.
गुरुदेव, मैं समझ गया, आप जानबूझ कर क्यों गिरफ्तार? नहीं सुन गए ना? हाँ गुरुदेव। महेंद्र, ये संतान सेना की पहली अग्नि परीक्षा, मैं देखना चाहता था कि हमारी संतान सेना कसौटी पर खड़ी उतर सकती है या नहीं। पीछे मूछ पाकर इनकी हत्या की है। हां, दुश्मन की तोपों ने मारा है इन्हें, लेकिन इनकी मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी। इनकी अमर आत्मा ने हम तक ये संदेश पहुंचाया है कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी तोपे होनी चाहिए। दुश्मन अगर आग और फौलाद के जोर पर हमारी मां को पराधीन बनाए रखना चाहता है, अगर वो हमारी आजादी के इरादों को अपनी तोपों का निशाना बनाना चाहता है, तो हमें भी आग का जवाब आग आग फौलाद का जवाब फौलाद से देना होगा। हमें भी तोपें चाहिए, तोपें। स्वाधीनता, स्वाधीनता, देशद्रोहियों के अत्याचार से स्वाधीनता, विदेशियों की गुलामी से, यह है हमारी मंजिल। हम किस मंजिल पर पहुंचना है, कैसे और किस तरह, हमें इसकी परवाह नहीं। मुझे यकीन है ये तो तुम भी मानोगे, रास्ता चाहे कोई भी हो, सवाल है अपनी मंजिल पर पहुंचना। मैं तो एक दिन में मठ छोड़कर बाहर चला जाऊंगा, हो सकता है चंद वर्षों के लिए, मेरे आने तक भवानंद और जीवानंद ये दोनों इस मठ के कार्यकर्ता होंगे। संगच्छस्य पृथ्वी संयमेनेष्टभूतिं परमेव्यो
विद्वायावद्यम पुनस्तुमे संगच्छस्व तन्वासु वच्छा ओम शांति। प्रभु, आपके जाने का उद्देश्य तो समझा, लेकिन ये पूरा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आया। मैं देश भर में घूमता फिरूंगा और हर जगह अच्छे से अच्छे कारीगर चुनकर यहाँ भेजूंगा। लेकिन सिर्फ कारीगरों से क्या? इसीलिए तो माँ महेंद्र को यहाँ ले आई, मैं उसे दीक्षा देने ही जा रहा हूँ। हाँ, पद्मचंद का महल ही हमारा किला होगा, वहीं हमारी तोपें भी तैयार होंगी। जीवानंद, प्रभु कल मैंने जो इशारा किया था। जी हाँ, मैं वहाँ गया था, लेकिन वो बच्ची तो रो रही थी, उसे लेकर मैं अपने बहन के पास छोड़ आया हूँ। और बच्ची की माँ? जी हाँ, उसका दाह संस्कार भवानंद ने कर दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ, तुम में से किसी एक या किसी ने भी कोई अपराध किया या मेरे जाने पर किसी से कोई अपराध हो जाए तो मेरे आने तक प्रायश्चित न करना। लेकिन अपराध प्रायश्चित बिना डर नहीं सकता। क्या करो कि तुम आनंद मठ के एक एक नियम का पालन करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा करो कि जब तक देश स्वाधीन न हो तुम मन वचन और कर्म से ब्रह्मचारी रहोगे। जी जी। यहां तक तुम अपनी स्त्री के साथ एक आसन पर भी नहीं बैठो। जी जी। क्या करो स्वाधीनता के युद्ध में अस्त्र धारण करोगे और अंतिम श्वास तक लड़ते रहोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अब वचन दो, यदि तुम्हारी एक प्रतिज्ञा भी भंग हुई तो प्रायश्चित करोगे और वो प्रायश्चित होगा मृत्यु। मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। स्पर्श करो, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ चले आओ। नवीन आयु देखकर तुम्हारा नाम नवीन आनंद रखने को जी चाहता। जैसे आपकी इच्छा। तुम्हारा अपना नाम? जी हाँ हाँ जी, मेरा नाम बोलो बोलो। शांति देव शर्मा। शांति बेशर्मा, तुमने यह अन्याय क्यों किया? क्यों किया तुमने यह अन्याय? अन्याय मैंने नहीं किया। धोखा देना अन्याय नहीं? ती होकर ब्रह्मचारियों के मठ में यूं चले आना अन्याय नहीं? हाँ, अन्याय है, अगर उद्देश्य अन्याय हो तो। अभी अभी आप ही ने तो कहा था, रास्ता चाहे कोई भी हो, सवाल है अपनी मंजिल पर पहुंचना। रास्ता मंजिल, तुम्हारे आने का उद्देश्य? अपने पति के साथी बनकर अपना धन निभाना। नहीं नहीं नहीं,
धर्म निभाने की तुम्हारी ये जगह नहीं, तुम्हारी जगह है गृहस्थ धर्म में, वीर धर्म में नहीं। क्यों नहीं? क्या सीता के बिना राम वीर बन सकते? द्रौपदी के बिना पांडव कुरुक्षेत्र का मैदान जीत सकते? आप ही बताइए, क्या उत्तरा के बिना? बस बस बस, सीता, द्रौपदी, उत्तरा, शांति, शांति। क्या तुम जीवानंद की पत्नी शांति हो? जी 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 बेटी, तुम यहां क्यों आई? तुम तो जानती हो जीवानंद मेरा दायां हाथ, तुम उसे ही काटने आई हो। अगर वो गुरुदेव सत्यानंद के दायां हाथ ही है तो ये काट लेना इतना आसान नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अब तुम अपने यहाँ आने का कारण बताओ, जल्दी बताओ। मेरे यहाँ आने के दो कारण हैं। एक तो आपसे ये कहना कि आपका प्राचीन का विधान गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। शांति, एक छोटी सी भूल के लिए मौत की सजा देना अन्याय। अपना दूसरा कारण बताओ। दूसरा कारण है मेरे स्वामी जो आपके दाएं हाथ हैं, उन्हें प्राश्चित से बचाना। क्या क्या कहा तुमने? आपके दाएं हाथ को प्राश्चित से बचाना। प्राश्चित? जीवानंद का? क्यों, उसका अपराध? कल अचानक बिना किसी इरादे के वो मुझसे मिल गए, सिर्फ यही है उनका अपराध। जीवानंद से मिला, उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उसे अपनी भूल का ख्याल है। जी, भूल का भी और प्रायश्चित का भी। के बिना कोई संगठन टिक भी नहीं सकता। प्रायश्चित उसे करना ही होगा और वो करेगा भी, मैं जानता हूं वो प्रायश्चित करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इसीलिए तो मैं आई हूं, जैसे भी हो उन्हें बचाना ही होगा। कोई उपाय नहीं, क्षमा कर दीजिए। असंभव है। तो क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा? और कोई रास्ता नहीं? नहीं नहीं गुरुदेव, गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं। एक बार मेरी तरफ देखिए, आपको उन्हें बचाना ही होगा, आपको उन्हें बचाना ही पड़ेगा। प्रभु, ये तो आप मानेंगे, अगर मैं चाहती तो उन्हें कभी यहां ना आने देती, लेकिन मैंने उन्हें नहीं रोका। क्या इसीलिए, इस कलंक की मौत के लिए? गुरुदेव, ऐसा ना होने दीजिए गुरुदेव। एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका दीजिए गुरुदेव। अच्छा, आप कुछ न कीजिए, उपाय ना सोचिए, क्षमा न कीजिए। आपने मुझे बेटी कहा है ना, अपनी बेटी की एक छोटी सी प्रार्थना मान लीजिए,
मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। उसे इस पहुंच से रोकने के लिए किसी दूसरे समय तक जैसे जैसे लड़ाई तक आप आगे से दीजिए। गुरु देव मैं वचन देती हूँ, मुझे कोई पहचान न सकेगा। हाँ कह दीजिए गुरुदेव, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं आपको जन्म नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव गुरुदेव आप आगे दे दीजिए। उठो बेटी जाओ, पगड़ी बांध। तुम यही रहोगी, तुम यही रहोगी बेटी। रहने का प्रबंध कर जाओ, जाओ बेटा, जाओ। गुरुदेव मठ छोड़कर चल दिए। दुश्मन को आग का जवाब आग और फौलाद का जवाब फौलाद से देने के लिए, तोपें तैयार करने के लिए कारीगरों की जरूरत थी, देश भर के चुने हुए कारीगरों की। उन्हें इकट्ठा करने के लिए गुरुदेव देश का कोना कोना छानते फिरे। कारीगरों के पदचिन्ह पहुंचते ही राजा महेंद्र सिंह, जीवानंद और भवानंद ने किला बनवाना शुरू किया। जीवानंद और भवानंद संतान सेना को बढ़ाने के लिए देशभक्ति का प्रचार करते फिरे। उधर किला बनता गया, साथ ही साथ हथियारों के लिए कारखाना भी तैयार हो गया। जीवानंद दिन रात काम में लगा रहता, संतान शक्ति को बढ़ाना, तलवारें भाले बंदूकें तैयार करवाना, फौजी शिक्षा देनी। लेकिन जीवानंद भी इंसान ही तो था, शांति से दूर न रह पाता, भंवरे की तरह खींचा चला आता। लेकिन शांति थी कहां? ये तो नवीनानंद था, जो मिलन वो चाहता था वो इस जीवन में न था। भवानंद को तो पल भर की भी फुर्सत न थी, काम दिन ब दिन बढ़ता ही जाता था। लेकिन जब से भवानंद ने महारानी कल्याणी को देखा था, उसके पैरों तले की जमीन ही निकल गई थी। राष्ट्र जो करना ही है वो सोचता, लेकिन अगर कल्याणी कल्याणी एक दिन हाथ बढ़ाया, दूसरी बार देखने की आस भी टूट गई। संतान शक्ति बढ़ती गई, आए दिन फिरंगियों पर खुल्लम खुल्ला हमले होने लगे। फिरंगी अफसर तिलमिला उठे, नो नो वी मस्ट क्रश देम। अत्याचार बढ़ते गए, फिरंगी लूट मार करके चले जाते, संतान रास्ते में ही काफले के काफले खत्म कर देते।
इन्हीं दिनों संतानों ने दिन रात एक करके अपनी पहली तोप बना ली, बरसों के साथ पूरी हो गई। संतानों के हमलों से फिरंगी घबरा उठे। खबर लंदन पहुंची, फौरन वारन हेस्टिंग भेजा गया। आते ही उसने छानबीन शुरू की। प्रजा के दुख और मुसीबतों से बेखबर शाही महलों में रंगरलियां मचाने वाले नवाब साहब के नाम हुक्मनामा सादर हुआ। मिट गए। बहस मुबाहिसे हुए, खाके नक्शे तैयार हुए, नई नई चालें सोची गईं, और अपनी पूरी जंगी ताकत के साथ फिरंगी संतानों को चारों तरफ से घेर कर मिटा देने और हिंदुस्तान के हुक्मरान बनने के लिए आगे बढ़े। संतान की स्त्री है? वो समझा तो ठीक है। ओ, देखो, कोई दूसरा होने से अभी तुम पर गोली करता, लेकिन हम तुम्हें बहुत पसंद है। तुम हमारे घर में रहेगा स्त्री के माफक, लेकिन हाँ शादी नहीं होगा। वाह बंदरवा, देख सुन, हमारे घर में एक बंदर था, सूरत बिल्कुल तेरे जैसी। तो वो कुछ दिन हुए स्वर्गवास हो गया, उसका घर खाली है, तू आके उसके घर में रहना। आई कांट फॉलो यू, हम समझने नहीं सकता। समझे तो ठीक ही शैतान। नहीं नहीं, व्हाट आई मीन यू जस्ट थिंक, तुम्हारा मर्द लड़ाई में मर जाए, जरूर मर जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा?
क्या होगा? तो आए फैसला करें। लड़ाई में अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, अगर बची और अगर हम जीते तो वादा कर कि तू मेरे घर में बंदर की जगह रहेगा और भरपेट केले खाएगा। केला बहुत अच्छा चीज है, अभी है सिर्फ जंगली कहीं का। सुन, तुझसे एक बात पूछते हैं, जवाब दे। तुम लोग हमारे देश में किस लिए आए हो? जस्ट तुम लोग को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ के पीपल नवाब का रूल नहीं मांगता है, बहुत झगड़ा चलता है। झगड़ा चलता है तो ठीक है, हम हिंदुस्तानियों का आपस का झगड़ा है। हम आपस में लड़े मरे या कुछ भी करें, तुम बाहर के आदमी इसमें क्यों फटते हो? तुम्हारा क्या अपना देश नहीं, अपना घर बार नहीं, तो वहां जाकर क्यों नहीं मरते? कैसे रोकोगे ऐसे तूफान को, ये मंगी
आज दूर रह न सका इसीलिए। लेकिन क्यों तुम यहां क्यों? शांति शांति, आपके जो तुम ही से पूछूं शांति, कहो तो कैसे रोकोगे ऐसे तूफान को? कौन सा किनारा है ये जो तुम ढूंढते हो? जिसको छू करके डूबे हजारों, ढूंढता है ये दिल वो किनारा। अपने मन को मनाओगे कैसे? आग फैली बुझाओगे कैसे? नहीं शांति, नहीं शांति। सुना है गुरुदेव लौट रहे हैं, अब तो मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। मरना तो है ही शांति, तो मरने से पहले तुम्हें क्या और एक बार भी क्या अपनी शांति को? नहीं शांति, छोड़ दो शांति, छोड़ दो। क्या हो गया है? छोड़ दो मुझे शांति, छोड़ दो मुझे शांति, 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 शांति। सुनो सुनो शांति, 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 शांति। नवीन आनंद, हाँ तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद शांति। मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, ये मेरे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। तुम्हारी स्त्री होकर सब जाने बूझे मैं तुम्हारा सर मैं कैसे होने दूं? तुम ये सोचो, समझ क्यों नहीं लेते कि हमारा ब्याह जन्म के लिए नहीं अगले जन्म के लिए हुआ है? और तुम बार बार प्रायश्चित की क्यों सोचते हो? प्रतिज्ञा थी कि अपनी स्त्री के साथ भी एक आसन पर न बैठोगे, सो तुम कभी बैठे हुए तो नहीं? गुरुदेव शांति, गुरुदेव मैं चला। तुमने ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है तुमने। हमारा मिलन इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। सुनो सुनो, तुमने वचन दिया है कि मुझसे इससे मिलन तो नहीं, अपनी शांति से और एक बार मिले बिना प्रायश्चित न करोगे? वचन निभाओगे ना? हाँ हाँ शांति। Thank you.
बदन खनीर जन जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तरस भिक्षुरने दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिंग रमनीयम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं सदयभिदय दर्शित पशुघातं केशवधित बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नृत्य निबह निधने कलयसि करबालं धूमकटूमिव किमपि करालं केशवधित कल्कि शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कल्याण करे कल्याण कल्याण कैसे होगा प्रभु आपकी तो मुझे विधवा होने की आज्ञा है जीवानंद को भी कुछ तेरा और बचाना ही होगा कोई सूरत नहीं आप आ गए अब नहीं बेटी नहीं तुम उसे रोक सकती हो मैं जानता हूं कि अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा क्यों चाहने लगी प्रभु किसी के रास्ते में रुकावट बनकर मैं क्यों पाप लूं उनके लिए स्वर्ग है तो आप क्या सोचते हैं प्रभु मेरे लिए नहीं 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 बेटी रुकावट बनने की कोई बात नहीं मैं यही सोचता हूं कि जीवानंद का महान जीवन क्या ऐसे ही चला जाएगा आप ही ने तो कहा था प्रभु कोई उपाय नहीं लेकिन बेटी याद है युद्ध तक उसकी जान बचाने की प्रार्थना एक दिन तुम ही ने तो की थी भगवान ने मेरी न सुनी युद्ध में अब देर नहीं देर नहीं हां बेटी फिरंगी सेना पड़ी आ रही है हां प्रभु एक फिरंगी सिपाही मुझे भी मिला था कब आज ही कहां पास के जंगल में थोड़ी देर पहले वो यहां भी आ पहुंचे हो सकता है किसी भी वक्त मिला कर दे बेटी मुश्किल यही है कि हमारा कोई भी आदमी उनकी सेना में न होने से भेद पता नहीं चलते मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिलती मैं कोशिश करूं तुम आप आगे दीजिए मैं अच्छा
अच्छा कोशिश करो, विजय भवतु, विजय भवतु। Bring her in.
इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, तुम कहाँ से आया? पदचिन से। वहाँ एक केला है? केला? केला बहुत है। केला नहीं, केला, केला। ओह, केला है। वहाँ कितना आदमी रहता? कितना आदमी? वहाँ एक, दो, तीन, छः। Come on, come on. 12 होगा। Nonsense. कितना सौ होगा? 1200 होगा। Oh, silly. I mean, कितना हजार? कह तो रही हूँ 12000. What, what? ये कितना? 5. ये? No. No, no. 10. तो किलो में कितना आदमी? कह तो रही हूँ 10. What nonsense? Linda, take it out. Take it out. Come on, wait, wait. Sunao, Petson se kab aaya? Petson? Petson, Petson. Oh, to Petson kar kyun marta hai? Are Padachinha ke hanam hue? Yes, yes, Petson, Petson. Wo log wahan hai, ya nikal gaya? Nikle kahan? Hamara news mein na, wo log ke leader wapas aaya. Or Maghi festival. Festival, you know. Mela. Yes, that's Mela. Mela ko sabko bulaya. Do you know anything about that? Saab, teri eating meri mere palle nahi padti. La, ab dega bhi kuch? Nahi dega. Main chali. Gaana mata sunne ka nahi, mukh pareshan kar. Hey, hey. Suno. Bahut bakshish dega. Idhar aa. Idhar aa. देगा, देगा, बहुत देगा। पहले पैसन का खबर बोलो। पैसन की खबर? ठीक है, समझ में। नहीं नहीं, जानने मांगता वो लोग कितना है और किले से कब निकलेगा? बस नकली बख्शीश दे, परसुआ खबर दे जाऊंगी। तुम नहीं जानता, आज रात को मांगता। देते देगी, बोल देना परसों। सर, लेट मी एक्सप्लेन टू हर। हमको कल सवेरे उनके ऊपर अटैक करना का। यू शुड हैव रात को लाने सकता। सरहाने बंदूक धर, शराब चढ़ा और पड़ा रहे। 20 को सरासा में रातों रात गई और आई, बस तेरे कहने से हुआ। मुंह अच्छे छूंदर गई। ए, चूचू किसको बोलता है? ये भी ना जाने। चूचू बोलता बीच सोना को, बहादुर को। Oh yes, Bahadur, great General Clive के माफ़े, हम भी बनने सकता। तुम्हारा आज रात खबर लाने से हम भी बनने सकता। सौ रुपया बख्शीश देगा। सो तो सौ ही दे चाहे हजार, 20 कोस रास्ता मेरी इन दो टांगों से होने का नहीं। घोड़े पर जाओ। सो तो जाऊंगी ही, नहीं तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? क्या बोलता? अरे बंदर, हम बोलता है घोड़े पर चढ़ सकती तो बैरागन बन मांगती पड़ती। तो घोड़ा पर चढ़ा ले जाएगा। मैया रे मैया, मुआ चढ़ा ले जाएगा, मुझे का लाश्रम नहीं आती। ओहो, 300 रुपए देगा? साहब तू समझे नहीं, लोग का कहेंगे। ऑलराइट ऑलराइट, तो 500 रुपए देगा? 500? 500 देगा तो? यस यस देगा, जरूर देगा। अच्छा चल, तू चलेगा? नहीं नहीं, हम नहीं। बैठ ले, चलो। हो जाएगा। अच्छा 500? हाँ यस यस यस, चलो चलो। ए भाई भाई, आए तो रही हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ। कल्याणी अच्छी तो हो ना? मैंने कहा तबीयत तो अच्छी है ना? तबीयत अच्छी है या बुरी, इसे
आपको क्या? मैं क्या इतना भी नहीं पूछ सकता? दरवाजा खोलो कल्याणी। इतनी रात गए, भले आदमी किसी पराए स्त्री का दरवाजा नहीं खटखटाया करता। हाँ, जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पराई, मेरे लिए तुम तो दरवाजा खोलो कल्याणी। मुझे तुमसे कुछ कोई जरूरी बात कहनी है। तो फिर कभी आइएगा दिन के वक्त। गुरुदेव लौट आए हैं कल्याणी, और शायद दो एक दिन में लड़ाई शुरू हो जाए, इसीलिए आज मैं तुमसे वो सब कुछ कह देना चाहता हूँ जो पिछले 4 वर्षों से न कह सका। कल्याणी दरवाजा खोलो, कल्याणी दरवाजा खोलो, कल्याणी कल्याणी कल्याणी। मुझे कल्याणी पुकारने का अधिकार आपको किसने दिया? अधिकार? आज तुम मुझसे अधिकार पूछती हो? क्यों, मुझे क्या कोई अधिकार नहीं है? जरूर है, जिस दिन से मैंने तुम्हें नया जन्म दिया है उस दिन से मैं तुम्हें किसी भी नाम से पुकार सकता हूँ। तुम मेरी हो कल्याणी, तुम मेरी हो और किसी की नहीं। मैंने ही तुम्हें यह नया जन्म दिया है। किसने कहा था आपसे मुझे नया जन्म देने के लिए? अब मैं समझी, तो आपने इसी नियत से मुझे बचाया था, इसीलिए आज तक आप मेरी बच्ची को न ला सके, इसीलिए आज तक मेरे पति को यह भी मालूम नहीं मैं जीती हूं मरी नहीं। कल्याणी, बच्ची को मैं जल्द ही ले आऊंगा, लेकिन तुम्हारे पति, उनके लिए तो तुम मर चुकी हो। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम दूसरी शादी कर सकती हो। क्या? कल्याण, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। किससे? आपसे? अगर कहूं हाँ तो? आपका संतान धर्म कहा जाएगा। मैं नहीं चाहता। लोक प्रलोक? मैं नहीं चाहता। आपका ये नाम भवानंद? मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि मैं तुम्हें चाहता हूं। संतान धर्म मेरी जान है, लेकिन तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी हो। अब नहीं सहा जाता कल्याणी, अब नहीं सहा जाता। एक बार तो कह दो कल्याणी, एक बार तो कह दो कि तुम मेरी बनोगी। सुनिए, शायद आप ही से सुना था कि गिरे हुए संतान को प्रायश्चित करना पड़ता है, और वो प्रायश्चित मौत है। मौत है। अगर कल्याणी आपकी हो जाए तो? प्रायश्चित नहीं टल सकता। और अगर वो आपकी न हो? तब भी। तो सुनिए, कल्याणी कभी आपकी नहीं हो सकती। गिरे हुए संतान को प्रायश्चित करना पड़ता है, और वो प्रायश्चित मौत है। Thank you.
गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारी बदकिस्मती कि महेंद्र चाहे जितनी भी कोशिश करे शाम से पहले तो भी लेकर यहां नहीं पहुंच सकता, किसी हालत में भी नहीं। क्या किया जाए अब, क्या किया जाए? क्या दुश्मन को गैर किसी रोक तो सीने को चलते हुए गुजर जाने दे। इस आनंद मठ को मिट्टी में मिलाकर संतान सेना को चोर लुटे रूपी दास्तान बनाकर दुश्मन इतिहास लिखने का काम ऐसा होने देंगे, बड़बड़ियत का तूफान लाकर ये तिरंगी हमारी भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दें। क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं, मैं ये जानता था कि तुम संतान सेना के चुने हुए सिपाही ऐसा कभी न होने दोगे। अपने दिलों में बुलंद हिम्मत और जान हथेली पर रखकर इन फिरंगी भेड़ियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाओगे और इन्हीं की तोपें इनसे छीन कर इन्हीं की तरफ घुमा दोगे। तो जाओ मां के रत्न सपूतो, जाओ भारत वर्ष की स्वाधीनता के पहले युद्ध का इतिहास अपने खून से लिख दो। ईंट और पत्थर की जगह अपने शरीर सजाकर आजादी की बुनियाद रख दो। एक दिन जब इस बुनियाद पर आजादी की आलीशान और जगमगाती हुई इमारत खड़ी होगी तो हर भारतवासी यही याद करेगा कि इस आजादी की बुनियाद रखी थी आनंद मठ ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जीवानंद, जीवानंद, आज के युद्ध सेनापति तुम हो। मुझे विश्वास है जीत हमारी ही होगी। जीवानंद, जीवानंद, भगवान तुम्हारा जीवन सफल करे। सार्थक कुशल मस्त युद्धे सदैव योस्तु निपक्षोस्तु शुभास्ते सन्तु।
और दिया था ना, कौन जाने अगर मुझे और मौका न मिला। मेरी अच्छी शांति, यही हमारा अंतिम मिलन हो गया। शांति हाँ कह दो, हाँ कह दो शांति। Thank you.
retriever, prepare to fire! Shoot!
शैतान नामक को मैं अपने हाथों न मार सकता। भवानंद याद रखो संतानों, याद रखो कि अगर दुश्मन ने फिर उन तोपों पर कब्जा कर लिया तो तुम्हें भवानंद की कुर्बानी का जवाब देना होगा, तुम्हें उन संतानों की बलि का जिम्मेदार होना होगा। गुरुदेव से कह विश्वास घातक नहीं था, तो जानते हैं भवानंद कल रात उन्होंने तो आशीर्वाद दिया था। ये क्या हम कुछ न कर सके, हमसे कुछ न हो सका। काश जीवानंद आ जाता। अभी मेरे साथ मरते हो तो नहीं तो मैं चला। उनमें से कोई अगर जमीन आनंद से मिला तो मेरी ओर से कह देना कि अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संतानों सुनो, सुनो, वंदे मातरम। जीवानंद आ रहा है, हमारी जीत होगी, संतानों की जीत होगी, जीत होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, वंदे मातरम। Damn!
बेटी शांति, जो जीवों का आनंद है उसी जीवानंद के लिए क्या रोते हैं बेटी? जीवानंद क्या कभी मरता है बेटी? मरे तो नहीं, आप महापुरुष हैं, सच कहें जीवानंद मरे तो नहीं, प्रायश्चित किए महापुरुष जीवानंद का प्रायश्चित किए हैं। हाँ बेटी, प्रायश्चित ही किए हैं, लेकिन किस अपराध का प्रायश्चित जानती हो बेटी? अपनी मातृभूमि को प्राचीनता की बेड़ियां पहनाने का जो महा महा पाप हमारे ही पुरखों ने किया है, उसी पाप का प्रायश्चित आज इन्होंने किया है। ऐसे प्रायश्चित अभी और बहुत करने होंगे, फिर कहीं मां मुक्त होगी बेटी। ये जल लो, अच्छी तरह से जीवानंद का मुंह तो धो लो बेटी, लो। और लो बेटी, रेखा इस चेहरे पर दिखती है। एक चेहरे पर क्या लाखों जीवानंद नहीं झलक रहे? जीवानंद की भी क्या कभी मृत्यु होती है बेटी? देखो बेटी, सारे भारतवर्ष की ओर एक बार देखो, देखो ज्योति स्वरूप जीवानंद अंधियारे भारत को कैसे जगमगा रहा है। और वो सुनो बेटी, भारत माँ की गूंगी संतान आज कैसे गरज रही है, गरज रही है वीर सपूतों की विजय, गरज रही है अमर शहीद जीवानंद की जय जयकार। सुनो बेटी, वो सुनो, सुनो। जीवानंद की जय, शहीद जीवानंद की जय, शहीद जीवानंद की जय, वीर भवानंद की जय, वीर भवानंद की जय, वीर भवानंद की जय, राजा भगत सिंह के जय, राजा भगत सिंह के जय, रानी कलाई दबे के जय, रानी कलाई दबे के जय, केवल सत्यानंद की जय। नहीं 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 मां, नहीं, मैं से जीत नहीं मांगता। ये तो लड़ाई की पहली टक्कर, केवल पहली टक्कर, उसी में मेरे दोनों हाथ कट गए। सुनो सुनो, तुम सुन रही हो मां? सुनो सुनो, तुम्हारी संतान चला आ रही है, मेरी आज्ञा देने आ रही है, राजधानी पर चढ़ने की आज्ञा लेने आ रही है। मां, मैं जानता हूं मुझे अभी इसी वक्त आज्ञा दे देनी चाहिए कि वो राजधानी को चारों ओर से घेर ले, आंधी की तरह छा जाए और दुश्मन की जड़े उखाड़ फेंके। मगर ये आज्ञा तुम कैसे, ये आज्ञा तुम कैसे? तुमने जीवानंद और भवानंद मुझसे छीन लिए, मेरे दोनों हाथ काट लिए तुमने। हाँ तुमने, तुमने मां, तुमने। अब बताओ मैं तलवार कैसे उठाऊंगा? वो तलवार
जो मैंने उठाई केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जंजीरें काटने के लिए, भूख और गरीबी की जंजीरें, महामारी और मौत की जंजीरें, गुलामी की जंजीरें, जुल्म की जंजीरें। बोलो बोलो बोलो, नहीं 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 नहीं, यकीन नहीं है, यकीन नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये जीत नहीं, मैं से जीत नहीं मानता, ये जय जयकार झूठी है, ये जय जयकार झूठी है, ये हार है, मेरी तो हार है। ये तुम्हारी जीत है सत्यानंद। गुरुदेव, गुरुदेव आप आ गए, गुरुदेव। हाँ सत्यानंद, हिमालय से आया हूं मैं तुम्हें धन्यवाद देने। धन्य हो तुम, तुमने मां की वर्षों की कामना पूरी की, बड़ी शान से शुरू की है तुमने आजादी की ये लड़ाई, ये अब न रुकेगी, चलती ही रहेगी 100 वर्ष या उससे भी ज्यादा। पूर्ण भक्ति के वो उज्जवल दीप जो तुमने जला दिए हैं अपने जीवानंद, अपने भावानंद, महेंद्र, शांति, कल्याणी और न जाने कितने और देश के कोटि कोटि लोगों को आजादी की राह दिखाते रहेंगे। भारत के सपूतों, खुशियां मनाओ, अपनी इस महान जीत पर खुशियां मनाओ, गाओ मां की वंदना के गीत, गाओ गाओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। ऐसे पहली बार भारतवर्ष में स्वाधीनता का युद्ध क्षेत्र इन शहीदों ने अपने खून से सींच दिया। वंदे मातरम महामंत्र का बीज इसी धरती में पड़ा। मुट्ठी भर संतानों की पुकार करोड़ों की ललकार बनी। सैकड़ों, हजारों, लाखों जाने जाने संगीनों, गोलियों, तोपों का निशाना बन गए। फांसी के तख्ते पर मुस्कुराते लटक गए इसी महामंत्र को जपते हुए। देश स्वाधीन हुआ लेकिन आज, आज वंदे मातरम कहां? Namami Kamalam Amalam Ratnam Sujalam Sufalam Madaram Namami Kamalam Amalam